नमस्कार, मैं कृतिका, आप देख रहे हैं सीकेपीआई। हेमंत सोरेन सरकार हासिल किया विश्वास मत। हेमंत के पक्ष महागठबंधन ने दिया 48 मत और विपक्ष में 0 मत मिले। आज दिनांक 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व रेलवे इंटर कॉलेज स्कूल 2007 बैच के पुराने छात्रों ने शिक्षकों को फूलों का गुलदस्ता एवं फोटो देकर सम्मानित किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए और कहा, शिक्षक सार्थक जीवन की राह दिखाता है और एक शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। छात्रों ने अलग अलग तरीके से अपने गुरुओं का सम्मान किया, तो वहीं शिक्षकों ने गुरु शिष्य की परंपरा को कायम रखने का संकल्प लिया एवं कहा, इन छात्रों का स्कूल व हमारे प्रति इतना प्रेम है कि जहां भी रहते हैं हर साल हमें आकर सम्मानित करते हैं, जिसे हमें बहुत खुशी होती है। हमेशा यूं ही सदैव प्रेम बना रहे और आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़े, इसके लिए आप सभी छात्र को बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य एस लकड़ा एवं सभी शिक्षक उपस्थित थे। इस कार्य में धनंजय कुमार, अफसाना प्रवीण, सुबुत्रो मजुमदार उपस्थित थे। कोहलान में उर्दू शिक्षकों के पद सूचित करने के लिए RDDE को दिया ज्ञापन। मानव अधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने कोहलान के प्लस टू विद्यालयों में उर्दू शिक्षक के पद सूचित करने के लिए एक आवेदन दिया गया। पत्र में कहा गया है कि राज्य में तीसरी बार प्लस टू विद्यालयों में 11 विषयों में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, लेकिन अब तक उर्दू शिक्षकों के पद सूचित नहीं की गई हैं, जिसके कारण मैट्रिक में उर्दू विषय रख रहे पास हुए छात्र छात्राओं में 11वीं और 12वीं में उर्दू विषय की पढ़ाई से वंचित हो रहे प्लस टू विद्यालय के प्राचार्य शिक्षकों द्वारा उर्दू भाषा संख्या छात्रों को 11वीं और 12वीं की परीक्षा में सांस्कृतिक विषय लेने और परीक्षा फॉर्म में भरने के लिए बाध्य भी किया जा रहा है। दूसरी और बड़ी संख्या में उर्दू विषय का निजी ट्यूशन कर झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग द्वारा आयोजित प्रत्येक वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में काफी संख्या में उर्दू विषय को रख कर छात्र शामिल होते हैं और पास होते हैं। इसी पढ़ाई को लेकर मैट्रिक से स्नातक PhD तक होती है, लेकिन प्लस टू में उर्दू विषय के शिक्षक नहीं होने के कारण उर्दू भाषी छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। पत्र में झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका 174/2018 पर सुनवाई कर न्यायालय ने उर्दू शिक्षकों के पद सूचित कर बहाली का निर्देश दिया है, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है, जो न्यायालय का आदेश का अवहेलन भी है। जल्द से जल्द उर्दू शिक्षकों के पद सूचित करने का आग्रह किया है। सड़क दुर्घटना में SDPO के बॉडीगार्ड की मौत। सरायकेला कंडरा मुख्य सड़क पर सदर थाना अंतर्गत शीतला ढाबा के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक पर सवार आरक्षी प्रकाश हेमरम की मौत हो गई तथा साथ में बैठे साथी आरक्षी रविंद्र मुंडा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इनका इलाज TMS जमशेदपुर में चल रहा है। मृतक 27 वर्षीय प्रकाश हेमरम SDPO सरायकेला के अंगरक्षक थे। मृतक आरक्षी प्रकाश हेमरम के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार वे पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत हाट गमरिया के बिकुली गांव के मूल निवासी थे। वर्ष 2017 में उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। मृतक की पत्नी सहित दो बेटियां हैं, जिनमें एक की उम्र 12 वर्ष और दूसरी की 5 वर्ष है। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक से सरायकेला से पुलिस केंद्र जा रहे थे। इसी क्रम में सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन टक्कर मारकर निकल गई। घटना बीती रात लगभग 11:30 बजे की बताई जा रही है। दोनों को घटनास्थल से सदर अस्पताल लाया गया था। चिकित्सकों ने प्रकाश हेमरम को मृत घोषित कर दिया, जबकि रविंद्र मुंडा को प्राथमिक उपचार प्रज्ञात बेहतर इलाज हेतु जमशेदपुर रेफर किया गया। इसके साथ ही आज की समाचार की समाप्ति होती है। कोहलान के समाचार के लिए CKP लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।